किस प्रकार से झरना यहाँ बहता हुआ आ रहा है, इतना अद्भुत ये पहाड़ है, बारिश का मौसम है। क्या गर्मा गर्म कचौरी लाए हैं, मौसम सावन का, बारिश का, और उसमें कचौरी हमें मिले तो आनंद ही अलग होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। दोस्तों आज सावन के इस मौसम में हम आपको लेकर के आए हैं प्राकृतिक एक ऐसे स्थान पर जो कि स्थित है सरिस्का की इन वादियों में। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बारिश का ये मौसम है, और इस मौसम में देखिए दोस्तों पीछे मेरे एक बांध है, कितना विशाल बांध, ये पानी से लबालब भरा हुआ है। अभी हम आपको लेकर के चलने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत और एक ऐसे प्राकृतिक स्थान की ओर जिसको देख करके आपका मन होने वाला है रोमांच भरा। हम आपको लेकर के चलने वाले एक विशाल झरने की ओर जो कि झरझर इन पहाड़ों से बहता हुआ आ रहा है, और वहां हम स्नान भी करने वाले हैं, उसका लुत्फ उठाने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए उस झरने का आनंदमय दृश्य, और आपको दिखाने वाले हैं हम वहां का बहुत ही अच्छा दृश्य। दोस्तों देख सकते हैं कितने लोग उस झरने की तरफ जा रहे हैं और इस बारिश के मौसम का पूरा आनंद उठाने के लिए तत्पर हैं। चलते हैं अब और उस झरने की ओर आपको लेकर के चलने वाला हूं जो आपको पहाड़ों के मध्य में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नदी नालों को पार करते हुए पहुंच चुके हैं इस पहाड़ की तलहटी में, और आप देखिए कितनी भयंकर बारिश यहाँ बरस रही है, और साथ में इन पहाड़ों पर बहते हुए अनेकानेक झरने यहाँ के इस प्राकृतिक स्थान को सौंदर्य से परिपूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम इस सरिस्का की वादियों में इस बारिश के मौसम में और इस सावन के महीने में आनंद विभोर हो रहे हैं, और हमारे साथ अनेक लोग इस मौसम का लाभ उठाने के लिए, इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का हरा भरा ये वातावरण, और पहाड़ों के मध्य में किस प्रकार से बारिश की ये रिमझिम बूंदे, और साथ में ही इन पहाड़ों से बहते हुए छोटे छोटे झरने, तो कितना आनंदमय ये वातावरण है। परंतु अब आपको लेकर के चलता हूँ एक विशाल झरने की ओर, तब तक आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के जो झरना बह रहा है उसके बिल्कुल नीचे, और दोस्तों आप निहार सकते हैं किस प्रकार से ये जो झरना है कल कल की आवाज के साथ और अपने साथ जल की एक विशाल राशि को लेकर के और इस पहाड़ से किस प्रकार गिर रहा है। तो अभी आगे चलने वाले हैं और इस झरने में बैठ करके आनंद विभोर होने वाले हैं, और वहाँ का जो आनंद में वहाँ का जो वातावरण है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। आप देखेगा किस प्रकार से इस प्राकृतिक स्थल पर इस बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों देखो किस प्रकार से झरना यहाँ बहता हुआ आ रहा है। दोस्तों ये जो झरना है आप जो देख रहे हैं किस प्रकार से अद्भुत झरना है, यह जो थानागाजी तहसील है, अलवर जो जिला है, वो राजस्थान के अंदर एक गांव है दुहार, वहां पर स्थित है दुहार माला की पहाड़िया, जहाँ ये विशाल और अद्भुत झरना निकलता है। और बारिश के इस मौसम में इस अद्भुत झरने का लुत्फ उठाने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं विशाल ये पहाड़ है, और इस पहाड़ से बहता हुआ ये झरना यहाँ पर बह रहा है। अब समय हो चुका है, हमारी पूरी टीम काफी लंबा रास्ता पार करके और इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। अब हम लगभग थोड़ा बहुत थक चुके हैं, तो हमारे दोस्तों ने पूरी तैयारी कर रखी है नाश्ता पानी की, और अब हम नाश्ता पानी लेने वाले हैं। ये हमारे अंकित जी हैं और ये नाश्ता के प्रमुख हैं। देखिए नाश्ता की कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, क्या गर्मा गर्म कचौरी लाए हैं, और मौसम सावन का, बारिश का, और उसमें कचौरी हमें मिले तो आनंद ही अलग होने वाले हैं। तो हमारे अंकित जी ने व्यवस्था करी है, तब तक आप नाले को निहारिए। दोस्तों आपने प्राकृतिक स्थान और प्राकृतिक झरने अनेक देखे होंगे, परंतु आज जो अद्भुत झरना हम आपको दिखा रहे हैं,
देखिए कितना अद्भुत ये पहाड़ है। बारिश का मौसम है, सुहाना मौसम है, सावन का महीना है और साथ में यहाँ पर बहता हुआ यह अद्भुत झरना जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ एकदम शांति है, हरियाली है, सुनसान अपने आप में अकेलेपन को समेटे हुए यह स्थान है। दुहार माला, दुहार चौगान, थानागाजी में सरिस्का की वादियों में स्थित स्थान है जो कि अलवर जिले के अंतर्गत आता है। और आज हम हमारी मित्र मंडली यहाँ बैठ करके इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। इसका जो आत्म स्पर्श है उसको आज हम कर रहे हैं और आप तक भी ये जो दृश्य है वो पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस बारिश के मौसम में ना निकल पा रहे तो इन बारिश के मौसम को देख सकते हैं। इन पहाड़ों को देखिए, किस प्रकार की यहाँ छोटी छोटी गुफाएं भी बनी है और बारिश की बूंदे लगातार एक झरने के रूप में, छोटी छोटी नालियों के रूप में बहती हुई पहाड़ों से झरना बना रही है। और अब हम चलते हैं अंतिम उस स्थान की ओर जहाँ का आपको बेसब्री से होगा इंतजार और हमें भी है इंतजार, क्योंकि हम उसमें बैठ करके और उस बरसाती पानी का, उस अद्भुत झरने का आनंद लेने वाले हैं, खूबसूरत झरने का लुत्फ उठाने वाले हैं। दोस्तों अब निहारिए आप इस विशाल झरने को और निहारिए इस प्रकृति के सौंदर्य को। मैंने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत झरना नहीं देखा और आज पहली बार इस बारिश के मौसम में इस अद्भुत झरने में आया हुआ हूँ और अभी हम सब मिलकर के इस झरने में पहुंचने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं और यहाँ का पूरा भरपूर आनंद हम लेने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को लाइक करना ना भूले और हम आपको दिखाने वाले हैं प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और आप देखने वाले हैं और आप बहुत ही आनंद विभोर होने वाले हैं। तो चलते हैं, विलंब ना करके पहुंचते हैं झरने के ऊपरी छोर पर। तब तक आप इन पहाड़ों को, बारिश की इन बूंदों को और छोटे छोटे बहते इन पहाड़ों के झरनों को निहारिए। बारिश के इस मौसम में आज हम एक छोटे से टूर पे आए थे और यहाँ पर एक विशाल झरना आपको हमने दिखाया है, दुहार माला में अद्भुत झरना जिसका रोमांच आपने देखा। इस प्रकार से अनेक लोग यहाँ के जो आसपास के ग्रामों के लोग हैं यहाँ आते हैं और बारिश के मौसम का पूरा लुभ उठाते हैं। कितना लुभावना ये झरना है, जहाँ पर आज सब लोगों ने कितनी मस्ती करी है। हम इस प्रकार के अद्भुत स्थान खोज करके आपके लिए ला रहे हैं, अद्भुत स्थान जो रहस्यमय स्थान भी है, जो गुप्त स्थान भी है, जो हम लोगों के ज्ञान से दूर है, यानी कि हमारी जानकारी स्थानों से नहीं है। ऐसे स्थान जो हमसे छुपे हुए हैं उनको ढूंढने का प्रयास हम करते हैं और आप तक पहुंचाने का कार्य हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें मनोबल मिलेगा और हम ऐसे अनेक रहस्यमयी, अनेक अद्भुत, अनेक प्राकृतिक, धार्मिक स्थानों को ढूंढकर और ऐसे प्रकृति भरे आनंदमय स्थानों को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।